ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਗਲਤ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ये बेटा मैं बड़ा परेशान हूँ, मुसीबत आ गई है। खैर छड़, तेनू कोई तंग तो नहीं करदा? वो ये लम्मा जा गया कमाली। मैं तो ठीक हाँ, तू ठीक है? की मुसीबत आई है, दस तो सही मैनू। जो बेटा जो मैं करा इच गड़बड़ हो गई है, ते मैनू साडा मुस्तकबिल चंगा नहीं लग रहा। वहम दा कोई इलाज नहीं है, कोई गल होंदी तो उत्थे भी परेशानी होंदी ना, उत्थे ते बल्कि लुड़ियां पै रहियां ने। मैनू लगदा है सारी कश्तियां किनारे लगण वालियां ने। आ सही कह रही? हाँ हाँ, अज दोपहर ही बाबर साहब टोलकी लैके आए सन, ते बल्कि मैनू रिक्वेस्ट कीती है कि बैदी कुछ गुण बना के सुना दे, ते मैं छोटा मोटा सुना दिता। साडे आस्ते नहीं गुण बनाओगे? ना प्लीज बैदी। हम देखेंगे लाजमा के होंगे, देखेंगे हम देखेंगे जब जुल्मों से तंग के पांव तले। दादी जान। परी तुम? जी दादी, वो अमानुल्ला ने बताया कि आपने सुबह से नाश्ता नहीं किया है, बहुत खामोश हैं आप, क्या हुआ, क्या आपकी तबीयत खराब है? दादी मैं आपके लिए जल्दी से नाश्ता लगवा दूँ मानोला से कह के? नहीं। देखिए दादी, मैं जानती हूँ कि आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, मगर आपकी तबीयत का सुना तो मुझसे रहा नहीं गया, बस इसीलिए आई हूँ मैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। परी आप इधर? जी वो दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ दादी? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। चलें, वो मेरी अभी आज़र भाई से बात हुई थी, थोड़ी देर में आने वाले हैं, आई एम श्योर वो आएंगे तो आप और बेहतर फील करना शुरू हो जाएंगे। अरसम अब आप आ गए हैं तो दादी मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ। अमानुल्ला ने टेबल पे आपका नाश्ता लगा दिया होगा, प्लीज़ खा लीजिएगा। ऑफिस दादी मैं भी ज़रा चेंज करके आता हूँ। लगता है आज की मीटिंग काफ़ी कामयाब रही है आपकी दादी के साथ, उनके चेहरे पर आपके लिए नफ़रत और सख्ती मुझे कम लगी थी। अरसा मैं इधर किसी प्लान के तहत नहीं आई हूँ, अमानुल्ला ने मुझसे कहा था कि दादी की तबीयत ख़राब है, इसीलिए उनको देखने आई थी। बाकी दिल की अच्छी हो परी, पता नहीं दादी को ये सब नज़र क्यों नहीं आता। उनका कोई कसूर नहीं है, वो परेशान है, वो तो उजाला से मोहब्बत करने लगी थी और अब ये जो उसका रूप उनको नजर आ रहा है उसकी वजह से उनका दिल टूट गया है, परेशान है वो। ठीक कह रही हो तुम। सच पूछें तो अगर उजाला और बाबर एक दूसरे से प्यार ना करते होते ना, तो मैं यूं आप दोनों के बीच आके दादी को तकलीफ ना देती। क्या बात है, मतलब पूरे जमाने की आपको फिक्र है सबाई मेरे, बहुत अच्छे पन्नी है अहमद।